हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपको पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ग्रैप करते हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, सन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, फादर ऑफ सोर्ड्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड सन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन जो हैं ये आपके साथ एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन ऐसे होंगे ना कि इन्होंने क्लैरिटी रखी आपके सामने कि अगर यहाँ पर टाइम लग रहा है तो इन्होंने बता दिया कि टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर ये कहीं स्टक हैं और आपकी तरफ वो प्रपोजल या ऑफर अभी प्रेजेंट नहीं कर सकते जो आप जिसकी डिमांड में आप बने हुए हो, तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मुझसे अभी फिलहाल के लिए मैं ये सब नहीं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगी। तो इस तरह से अगर इन्होंने क्लैरिटी आपको दे दी है तो मैं आपको वजह बता रही हूँ गाइस। आपके पर्सन आपके लिए डिजायर तो बहुत रखते हैं। मतलब यहाँ पर टेन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द कम्प्लीशन, एक हैप्पी एंडिंग हम इसको कहेंगे। और ये फैमिली कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, ये इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ना कि ये आपके साथ एक फैमिली लाइफ बिल्टअप करना चाहते हैं, एक होम शेयर करना चाहते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेकिन ये आपके सामने बहुत ही लिटिल वेज में प्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे कि ये आपसे जो भी कहते हैं वो बहुत लिटिल फॉर्म में है। इन्होंने ये कहा होगा कि हाँ देखा जाएगा, सोचा जाएगा, अभी मैं सीरियस नहीं हूँ, इस तरह से अगर इन्होंने कहा है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये आपके लिए बहुत डीप डिज़ायर रखते हैं, बहुत ज़्यादा ये हाईली आपके लिए एक तरह के पैशन में बने हुए हैं, फीलिंग्स वाइज भी हम कह लें तो ये आपको मतलब अल्टीमेट डिज़ायर मानते हैं। इससे ज़्यादा इनकी कोई ख्वाहिश नहीं होगी कि आप वो एक ऐसी पर्सनालिटी हो इनके लिए जिसके साथ इस कनेक्शन को ये ग्राउंड करना चाहते हैं, यहाँ पर एक फर्म फाउंडेशन रखना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हो गई थी गाइस, तो इस पर्सन ने हो सकता है आपको खोने का वो डर देखा है, फील किया है, फियर ऑफ लूजिंग यू, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, ऐसे सारे फियर से ये हो गुजरे हैं, आपकी वर्थ को ये समझते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन होंगे ना कि मतलब आप भी क्लैरिटी रखते हो, मतलब आप भी इनसे वो सारी बातें बोलते हो जो आप फील करते हो, आप भी लॉयल हो, आप भी ऑनेस्ट हो, आप भी चीज़ों को लिम्बो में नहीं रखना चाहते। तो आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा ना कि जब 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 आप खुलते हो इनके सामने, जब जब आप अपनी बातें रखते हो, तब इस पर्सन को भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं भी अपना बता देता हूँ या बता देती हूँ। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप कभी भी इस पर्सन से एक डिटैचमेंट में आ जाते हो, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अगर यहाँ से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेती हूँ या ले लेता हूँ तो इस पर्सन को ट्रिगरिंग मिलेगी और ये पर्सन मेरे लिए क्रेव करेंगे और परेशान हो जाएंगे और शायद हो सकता है ये मेरे लिए वही एक्शन ले लें जिसके लिए मैं अवेटेड हूँ, तो ऐसा नहीं है ये कनेक्शन। यहाँ पर ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जो मैं मतलब वाइब देख रही हूँ, ये पर्सन तभी ओपन अप होते हो जब आप ओपन अप होते होंगे। तो मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पर, और मोस्ट ऑफ द यहाँ पर व्यूअर्स के लिए ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं गाइस, और बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है अगर यहाँ पर आप क्लैरिटी रखोगे तो ये पर्सन भी ओपन अप रहेंगे, अगर आप इनसे दूर भागोगे तो मतलब ये जो कनेक्शन है पाउज में चला जाता होगा, मतलब ना ये कोई एक्शन रखते हैं ना ही ये कुछ इस तरह का कोई जेस्चर आपको शो करते होंगे, बट हाँ ये हिंट्स ज़रूर देते होंगे कि दे आर मिसिंग योर समथिंग फाइन, लेकिन एफर्ट जो है आप दोनों का इक्वल होगा एक दूसरे की तरफ कि अगर आप इनसे बात कर रहे हो तो ये भी टॉकिंग टर्म्स में आते हैं आपसे, अगर आप क्लैरिटी दे रहे हो उनको तो ये भी देते होंगे। बट अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो, अगर आप खामोश हो जाते हो तो ये पर्सन भी खामोश हो जाते होंगे। मतलब यहाँ पर एक तरह का इक्वल गिव एंड टेक देख रही हूँ मैं। आपके पर्सन आपसे अगर क्लैरिटी में बात कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपने भी इनको क्लैरिटी दी है, तो 100% यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर हुआ होगा। आपने अपने पर्सन को वो सारी बातें बता दी होंगी कि आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हो,
आप यहाँ पर किस हद तक फोकस्ड हो या डेडिकेटेड हो। जैसे कि आज हमने आपकी एनर्जीज देखी थी, एनर्जी थीम फॉर टुडे में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वंस यू हैव डिसाइडेड यू आर डिसाइडेड, ये मैंने आपको बताया था, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन हैं। तो अगर आपने इस पर्सन को लेकर ही अपना फोकस शेयर किया है कि मैं इस हद तक की डेडिकेशन आपके लिए रखती हूँ या रखता हूँ, तो आपके पर्सन ने भी बता दिया होगा कि ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये कहाँ पर स्टक हैं और ये आपकी तरफ क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं और अभी फिलहाल के लिए ये क्यों नहीं रेडी हैं। इस तरह की सारी बातें इन्होंने भी डिस्कस की होंगी कि या तो इनका काम इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें होंगी जहाँ पर अभी ये ज़्यादा मतलब इनका अटेंशन लग रहा होगा। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है या तो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, जो मतलब ऐसे पर्सनालिटी जो फेमस होंगे अपने ग्रुप में या आपकी फैमिली में, ये मतलब बहुत ज़्यादा वेल नोन होंगे, फैमिली फ्रेंड्स में आते होंगे। तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं गाइस, तो आपके पर्सन इस कनेक्शन को ऑफिशियल नहीं बनाना चाहते इतनी जल्दी, क्योंकि हो सकता है ये अभी किसी एक मकसद पर बने हुए हैं और इनको लगता है कि अभी से ही सारी चीज़ें ऑफिशियल कर दी गई तो इनके आने वाले टास्क में या आने वाले जो भी इनके गोल्स हैं वहाँ पर इनको दिक्कत हो सकती है। बहुत लॉन्ग टर्म की ये प्लानिंग्स रखते हैं गाइस, मतलब इतने इजी पर्सन नहीं होंगे आपके, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन होंगे। इनको किसी भी बात के लिए कन्विंस कर पाना शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इन्होंने जब कुछ ठान लिया तो ये उसी तरह से बिहेव करते होंगे, मतलब इनको कोई मोड़ नहीं सकता, इतना ज़्यादा इनका स्ट्रक्चर बिहेवियर है या एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे, वंस दे हैव सेट समथिंग वो उस चीज़ को कंप्लीशन की तरफ ले जाकर ही सांस लेते होंगे। तो ऐसे आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्कर पर्सन हैं आपके, और ये जब शायद कहीं पर किसी गोल को सेट करके बैठे हैं तो ये वहाँ पर अपना 100% देना चाहते हैं। तो ऐसी बातें अगर आपके पर्सन ने आपसे बता दी हैं कि ये कहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो यस इन्होंने क्लियर वेज पर आपको बता दिया होगा और इस कनेक्शन का भी एक जो जर्नी है वो आपसे इन्होंने शायद एक सेट वेज में तय कर दिया होगा कि ये जो जर्नी है ऐसा ही चलेगा, इतना ही यहाँ पर एनर्जी वाइज, टाइम वाइज, लव वाइज इन्वेस्ट किया जाएगा, इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन आप भी नहीं रखें और हम भी नहीं रखेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पर डिज़ायर भी है, मोटिवेशन भी है, प्यार भी है, फ्यूचर प्लानिंग्स भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक क्लैरिटी भी है। तो इस तरह के पर्सन होंगे ये, और यही वजह है कि आप दोनों की जो मेंटालिटी है या पावर है, आप पावर कपल हो सकते हो, मतलब एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से लीड कर सकते हो। कोई यहाँ पर कम नहीं है, कोई यहाँ पर फॉलोवर नहीं है, कोई यहाँ पर छोटा नहीं है, आप दोनों इक्वल मैच हो, एक परफेक्ट मैच हो। तो जितना होल्ड आप इनकी लाइफ में रखते हो, आपके लाइफ में ये भी उतना ही होल्ड रखते होंगे। तो आप दोनों के म्यूचुअल डिसीजंस चलते होंगे, आप दोनों डिस्कस करते होंगे बातों को, फैसले लेते होंगे, कम्युनिकेट करते होंगे। तो इस तरह का कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ ये कहती हैं, ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द हैंगमैन, टू ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड डॉटर ऑफ कप्स। तो गाइस ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इनर स्ट्रगल आपका भी चल रहा होगा किसी और चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक थोड़ा सा एक सेटबैक है किसी बात को लेकर कि शायद आप इतना लंबा इंतज़ार करने के लिए रेडी नहीं होंगे। आपके लाइफ के अदर एरियाज़ बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे होंगे, लेकिन आप हारने वालों में से भी नहीं हो। आप ऐसे पर्सन होंगे कि जस्टिस आपको चाहिए, लेकिन आपको पता है कि इस पर्सन की तरफ से कोई गलती नहीं है वैसी। आप इनके पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन अगर आपसे हम पूछें तो आपका जो लाइक एक दिल जो है वो एक तरह से परेशान भी होगा कि काश यहाँ पर चीज़ें जल्दी बैठ जाती,
और जल्दी ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाता, जल्दी यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड हो जाती, क्योंकि आप शायद इस पर्सन से बहुत सारे लेवल्स पर इस कदर जुड़े हुए हो, आप इन्हें डिज़ायर करते हो और आप इनके बगैर नहीं रह सकते, और आपने अपने लाइफ के बहुत सारे एरियाज इनके ऊपर शायद डिपेंड करवा के रखे होंगे, मतलब नॉट लिटरली, आपको मतलब दुनिया की किसी और चीज़ में वो सेटिस्फैक्शन या वो सुकून नहीं मिलता होगा, आपकी मतलब आपके लाइफ का हर रास्ता इन्हीं तक आकर रुकता होगा, यू नो, ये एक इमोशनल पर्सन की निशानी होती है कि आपने अपनी सारी खुशियाँ इस पर्सन से जोड़ कर रखी हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जीज में, और डिवाइन फेमिनिन का कैरेक्टरिस्टिक्स ही एक नर्चरिंग, लविंग, कंपैशनेट, केयरिंग एंड इमोशनल वेज को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे ट्रेट्स आपके अंदर हैं, तो आप कैसे एक चेंज पर्सनैलिटी की तरह बिहेव कर सकते हैं, राइट? वो कहीं ना कहीं तो शो अप होना ही है, तो ऐसा ही यहाँ पर शो हो रहा है गाइस कि आप को सब पता होने के बावजूद भी एक इनर स्ट्रगल आपके अंदर होगा, इस डिस्टेंस से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, एक वेट करने को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप सबर कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, इस पर्सन के लिए आप एक एम्प्रेस हो, यानी कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे गाइस, मतलब इस पर्सन को आप कभी भी किसी भी मामले में कम नहीं देखना चाहते, और ये लव का एक बहुत ही हायर लेवल है कि अगर आप किसी पर्सन के खुशी में अपनी खुशी महसूस कर रहे हो ना, देन इट्स अ प्योर एंड ट्रू लव, इससे ज़्यादा कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, मतलब अगर आप उस पर्सन की खुशी में खुद को खुश मान रहे हो तो इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ और हो ही नहीं सकती, और यही शायद आप इस पर्सन के लिए महसूस करते होंगे, आपने अपनी लाइफ को एक स्टेक पर लगाकर शायद इस पर्सन का साथ देना शुरू किया होगा, बट जो भी आपकी तकलीफें हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, बस उस एक बिलीव की वजह से, यानी कि आपको भरोसा ऐसा होगा यूनिवर्स की तरफ कि यहाँ पर जब मैं इस कदर एक ज़िद्दी पर्सन की तरह बनी हुई हूँ या बना हुआ हूँ, तो मैं यहाँ से हारूंगी नहीं या हारूंगा नहीं, तो वो एक जो बिलीव होता है खुद पर भी और डिवाइन पावर्स पर भी, कि कुछ जो यहाँ पर मैजिकल सा हमें महसूस हो रहा है तो वो यूं ही नहीं है, इसका ज़रूर कुछ मतलब है, और आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो एक हर तरह से इवॉल्व पर्सन होंगे, आप अपने लाइफ को बहुत करीब से देखा होगा, लाइफ के बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंसेस को आपने झेला होगा, देखा होगा कब कब कैसे चीज़ें टर्न होती हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस के बाद आपको क्या क्या मिला है, एक यू नो पूरी लाइफ का तजुर्बा हम जिसको कहते हैं, वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप लेकर बैठे हो, आपको पता है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये वक्ती तौर पर हैं, जितना भी यहाँ पर आपको पेन मिल रहा है, जितना दर्द आपको मिल रहा है, इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और ऐसा बिलीव रखने वाले अगर आप एक पर्सन हैं गाइस, तो आपका जो फेथ है, आपका बिलीव जो है, वही आपको यहाँ पर जीत प्राप्त करवाएगा, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, आप यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और यही वजह है कि आप इतने सारे सेक्रीफाइसेस को झेलते हुए भी इस कनेक्शन पर बने हुए हो, उस होप के साथ, और इस पर्सन को आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप किसी भी चीज़ के लिए रेडी होंगे यहाँ पर, हर सेक्रीफाइस के लिए शायद रेडी होंगे, क्योंकि आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, और या ये जो पर्सन है आपके लिए ऐसे पर्सन होंगे गाइस जो आपके इक्वल मैच हैं, ऐसा पर्सन शायद अभी तक आपको कभी मिला नहीं होगा, और आपने इस पर्सन के लिए पूरी ज़िंदगी शायद इंतज़ार शायद आपने किया होगा, या फिर मैं कह सकती हूँ जन्मों से आपने इस पर्सन के लिए इंतज़ार किया होगा, जब अब जाकर ये पर्सन आपको मिल रहे हैं इस लाइफ टाइम में, तो फिर आप इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, आप यहाँ पर इंतज़ार करना प्रेफर करोगे रादर टू वॉक अवे और समथिंग, आप इनकी हर ख्वाहिश को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, आपको इतना तो पता है कि एक टाइम वो ज़रूर आएगा जहाँ पर ये पर्सन खुद आपके पास चल कर आएंगे, इतना भरोसा है आपको इस पर्सन की तरफ, या फिर इस पर्सन ने आपको इस तरह का भरोसा दिलाया होगा कि ये आएंगे, और ये मैंने जैसे कि कहा, ये जब कुछ कहते हैं वंस दे विल गिव यू द कमिटमेंट दे विल फुलफिल इट,
तो ऑफ कोर्स इन्होंने अगर ऐसा कोई कमिटमेंट आपको दिया है तो ये ज़रूर पूरी करने की कोशिश करेंगे गाइस, अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे ज़रूर। तो ये ऐसा ही भरोसा आपको भी इस पर्सन पर होगा, इसीलिए आप यहाँ पर बने हुए हो और आप इनका सपोर्ट भी कर रहे हो और अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को कॉन्कर करते हुए आगे भी बढ़ रहे हो एक फोकस्ड एंड डेडिकेटेड पर्सन की तरह। ऑलराइट, तो अब देखते हैं वेयर द होल सिनेरियो इज लीडिंग। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं गाइस, सन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द सन, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड नाइन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जीज का शिफ्ट होने वाला है, एक ऐसी ग्रोथ जो डे बाय डे ऑफ कोर्स इस कनेक्शन को भी एक ऑप्टिमिज्म के साथ लेकर आगे बढ़ाएगी। और आप दोनों का जो जर्नी है, जैसे कि आज हमने एग्जैक्टली एनर्जी थीम में डिस्कस किया था कि हर दिन एक एडवेंचर, हर एक स्टेप एडवेंचर रहेगा इस जर्नी पर। आप दोनों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस स्पिरिचुअल जर्नी को आप दोनों ही इंजॉय कर पाओगे और इस रिलेशनशिप को भी, क्योंकि आप दोनों वैसी पर्सनालिटीज हो ना जो एक दूसरे को टीच करते हो, एक दूसरे को बेटर वर्जन के लिए पुश करते हो। इस मतलब वर्ल्डली मैटर को लेकर ले लो या स्पिरिचुअलिटी को लेकर ले लो, आप दोनों जब भी कोई बात करते होंगे वो ऐसी वेस्ट बात नहीं होती होगी, फालतू वाली बात नहीं होती होगी, बहुत ज़्यादा जहाँ पर एक दूसरे को आप कुछ लर्न करवा रहे हो, टीच करवा रहे हो, एक दूसरे के लिए आप गुरु हो। मतलब मैंने जैसे कि कहा ना, पावर कपल्स दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी जगह की तरफ, किसी ना किसी वे की तरफ मोटिवेट करते ही रहते हैं, किसी काम के लिए, किसी टास्क के लिए। और इवन इस रिलेशनशिप में भी आप एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा रहे होते हो, हील कर रहे होते हो, पास्ट के ट्रॉमा से आप एक दूसरे को निकाल रहे होते हो, इस हद तक का सपोर्ट सिस्टम हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। तो ये कनेक्शन इसी तरह से ग्रो होना है गाइस। यहाँ पर स्लो एनर्जीज हैं ऑफ कोर्स, चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के लिए बढ़ेंगी, ग्रो होंगी, लेकिन वो मोटिवेशन ना तो इनका ख़त्म हो रहा है ना ही आपका ख़त्म हो रहा है। रादर आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे और एक तरह की मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। और आप दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के लिए टीचर हो, गाइड हो, सपोर्ट हो। तो आप दोनों की जो मैनिफेस्टेशन है वो भी म्यूचुअल होगी। और यस ऑफ कोर्स यूनिवर्स विल गाइड यू, यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफुली एक तरह से आपके लिए नेविगेशन का काम करेगा। मतलब हर स्टेप आपको दिखाया जाएगा आपकी इनर कॉलिंग के चलते। मतलब आपका हायर सेल्फ यूनिवर्स से जैसे जुड़ा हुआ है तो आपको डाउनलोड्स मिलते हैं और इस पर्सन को भी डाउनलोड्स मिलते हैं। और हमने देखा ही था कि ये पर्सन आपको द अल्टीमेट डिज़ायर मानते हैं, तो आपकी भी ये पर्सन एक अल्टीमेट डिज़ायर ही होंगे। और जब कभी भी म्यूचुअल मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स को सेंस होती हैं गाइस, वो मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होती है, भले ही यहाँ पर स्लो एनर्जी होगी। अगर यूनिवर्स को कभी ये लग जाएगा इसकी आप दोनों की ख्वाहिश को जल्द से जल्द पूरा किया जाए तो फिर यहाँ पर डिले नहीं आएगा और आपके लिए जल्द से जल्द यहाँ पर रिजल्ट्स आप देखना शुरू करोगे। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी कोई एक विश की फुलफिलमेंट, जो म्यूचुअल विश की फुलफिलमेंट है, वो ज़रूर पूरी होने वाली है। ऐसा कुछ यहाँ पर एक इवेंट टर्न हो सकता है गाइस सडन वेज में, जो आज हमने एट ऑफ फायर की एनर्जीज देखी थी। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बस आप अपनी जो उम्मीद है, अपना जो फोकस है, उसको पॉजिटिव रखिए गाइस। तो कुछ भी यहाँ पर नामुमकिन तो नहीं है। इवन इस पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी, अगर इनको लग रहा है कि इनके कुछ सेट पैटर्न्स हैं, गोल्स हैं, और ये जब तक उन सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर लेते तब तक ये नहीं बढ़ सकते, क्या पता इनकी लाइफ में कुछ सडन चेंज ऐसा आ जाए कि इन्हें करना ही पड़ जाए और आपकी तरफ आगे बढ़ना ही पड़ जाए, तो ये तब भी बढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स यूनिवर्स यहाँ पर कोई भी स्टेप ले सकता है, क्या पता डिवाइन ने आपके लिए ऑलरेडी कोई कॉस्मिक प्लान रेडी करके रखा होगा और बस ये एक मिरेकल का इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसे ही वो मिरेकल यहाँ पर अपीयर होता है तब आप लोगों की लाइफ में सडन वेज में सारी चीज़ें यहाँ पर मेंड हो सकती हैं गाइस। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, जो भी आप लोगों की ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। आई डोंट नो आप लोगों की ख्वाहिश क्या है, तो उस तरह से उस हिसाब से आप लोगों की ख्वाहिशें यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड प्रेयर्स में बने रहिए, यूनिवर्स के साथ एक मैनिफेस्टेशंस में बने रहिए, देन यू गाइज आर देयर।
ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।